कृपा करो माता रानी, मैंने तो मल्हार जी मिलवा दो, मिलवा दो माता रानी। एक ही तो नंबर है। हेलो हेलो। हाँ जी मैम, तुसी गीत गल कर रहे हो ना? मैं रिंकी गल कर रही हूँ। रिंकी? कौन रिंकी? ओही ताड़ी पहली स्टूडेंट। ताड़ी अपनी गीत टोली ते ए ने मेरे गीत म्यूजिक एकेडमी दी पहली स्टूडेंट रिंकी खुराना। रिंकी जेरी मम्मी का नाम गुंजन सी? हाँ जी मैडम जी, ओ ही रिंकी। आज मैं तुहाडी अकैडमी दी एक वायरल वीडियो देखी, उस वीडियो नू देख के पता लग्या कि तुसी वापस मुड़ आए हो। मैं पिछले 7 सालों तो तुहानू लभ रही सी, मैं तो हुण ढोल भी वजाना सीख गई हाँ सिर्फ तुहाडे करके। थैंक यू मैडम। ते रिंकी तुहाडी मम्मी ओ ठीक ने? कित्थे ने ओ? पता नहीं, उस दिन तो बाद तो गायब ही हो गए, कुछ पता ही नहीं लग्या उन्हां दा कित्थे गए ओ। सात साल हो गए कोई खबर ही नहीं मिली मम्मी दी। मैं रिंकी बाद च गल करदी हां। ठीक है, बहुत चनांदी 7 साल पहले तो चली गई सी, पर उहदा मल्हार नाल की लेना देना? कोई ना कोई तो लेना देना है पापा जी। उदों उत्थे मल्हार जी नाल मौत वाला हादसा होया ते गुंजन दा गायब होना, ये कोई इतफाक नहीं है। पक्का कोई ना कोई सूह मिल सकती सानू उत्थे मल्हार जी दी। उत्थे मल्हार जी नाल होया किसी मैनूं तां अज तक नहीं कुछ पता, इस गल का कोई अंदाजा भी नहीं है कि वह छोटी जी बच्ची रिंकी नूं छड़ के मल्हार जी मेरे पिछे करन की आए सी। पक्का कुछ ना कुछ होया होएगा जरूर। इहदा मतलब जे ओह गुंजन का पता लग गया तो मल्हार ब्रो का भी पता लग जाएगा ना। शिव जी महाराज जी, जे तुसी रस्ता दिखाया है ना तो सानू साडे मल्हार तक पहुँचा भी दिओ, पता नहीं मल्हार कित्थे होएगा। सिवान तू मैनू इत्थे क्यों लैके आई है? बस इत्थे डॉक्टर नू मिलन लई आया मल्हार। डॉक्टर नू? पर कादे लई? देख मल्हार, मैनू तेरी बहुत फिक्र है, मैं चाहनी हाँ कि तू जल्दी तो जल्दी ठीक हो जाए, इसे करके डॉक्टर ने कुछ दिन इत्थे रहने नू कहा है तैनू, ताँ जो तेरी दिमागी हालत बारे चंगी तरह पता लगाया जा सके। तू तू ठीक है सिवान? मैं भला इत्थे क्यों रवांगा? मल्हार असी कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। देख डॉक्टर का कहना है कि इतना तेरी याददाश्त वापस भी आ सकती है। सरा सोच मल्हार, जे साढ़े दोबारा फेरे तो पहला पहला तेरी याददाश्त वापस आ गई तो सानू होर की चाहिए? पर सिवान तू तू समझने की कोशिश कर, मैं इत्थे इस मेंटल हॉस्पिटल दे विच किद्दां रवांगा? मल्हार इत्थे सिर्फ उही लोग नहीं आउंदे मल्हार जिन्हां दी दिमागी हालत ठीक ना होवे, दिमागी इलाज की लोड़ किसी भी पै सकती है। वो गल तो ठीक है पर तुसी मल्हार ये डॉक्टर गर्ग नहीं, ये तेरा इत्थे बहुत चंगी तरह ख्याल रखेंगे। बिल्कुल मल्हार, तुसी इत्थे बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, तुसी इत्थे पूरी तरह सेफ हो तो तुहाडा इत्थे बिल्कुल सही इलाज होगा। जी डॉक्टर। चल ठीक है मल्हार, अपना ख्याल रखिए तो मैं इधर बाहर तेरे आने तो पहला पहला फेरियां का प्रबंध करके रखांगी, असं जल्दी मिलते हैं। चिता तो कर, आओ मल्हार जी मैं तुहानू तुहाडा कमरा दिखा दूं। मेंटल हॉस्पिटल के इस 4 दीवारी के अंदर तू गीत के सम्राट की पहुँच तो
बहुत दूर रहेगा मल्हार, ते वह भी उदों तक रहेगा जदों तक साडे व्याह का मुहूर्त शुरू नहीं हो जाता। तू हूँ इतों उदों ही बाहर निकलेगा जदों साडे व्याह का मंडप सज जाएगा। तुसी गीत ते मल्हार दे व्याह दा मंडप लाना शुरू करो। जे गीत ने कहा है कि पंडित जी दे कड़े हुए मुहूर्त ते वो मल्हार नू लेके आएगी, ते वो मल्हार नू लेके आएगी। दसे हुए मुहूर्त ते मल्हार ते गीत दोनों तुहाडे सामने होणगे। फिर भी बिल्कुल सही कह रही है, मैं डेकोरेटर नाल गल करदा और मंडप दी तैयारी शुरू कर दे। हाँ हाँ जेके साहब, सजावट बहुत वधिया होनी चाहिए है। इन्नी वधिया सजावट हो के सारे वेखते रह जाने। नाले माड़ी मोटी गल थोड़ी है, मेरा परिवार के नूह पुत्र का दोबारा विआह होना है। चलो मलहराज जी, ये इन्हों का रोज का काम है, कुछ पेशेंट रौला पाते हैं, इन्हों का इलाज करना सौखा नहीं है। चलो हाँ जी हाँ जी, गुंजन नाम से वह, जब असं 7 साल पहले थोड़े रिसोर्ट आए थे तो वह भी नाल सी मेरे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैनू याद है आए थे वो रिसोर्ट, पर वो अचानक गायब हो गए थे। फिर जो सू नहीं मिले तो असं उन्होंने धी उन्होंने घर के पते घर छड़ आए थे। फिर तुम उन्होंने लभन की कोई कोशिश नहीं की, कोई खबर नहीं मिली थानू? खबर तो कोई नहीं जी, पर एक गल सी, जो मैं उन्होंने कमरा वेख्या तो उत्थे खून सी। हाँ जी मॉम, मैनू पता कि मैं 7 साल पहला कुछ होर हुंदा सी। पहला तो मैं किसी ते भी हमला कर दिंदा सी बिना सोचे समझे, जिद्दां ओह गुंजन उत्ते हमला किया सी मैं। हाँ जी मॉम, इस बार मैं गुस्से विच कोई काम नहीं किया। ब्रेसलेट ये किदा हो सकता है? जिदा मर्जी हो गया अपन की, हुन तां मेरा है। इसे डिजाइन का नवा डिजाइन बनाऊ अपने लिए। हाँ जी मॉम, ब्रेसलेट मेरे को ही है, मेरी जेब विच। मॉम एक सेकंड में तुहानू वापस कॉल करदा। कित्थे गया यार ब्रेसलेट? ब्रेसलेट कित्थे गया? जे किसी के हाथ लग गया तो सारी सच्चाई पता लग जूगी। हाँ जी हाँ जी ब्रेसलेट। हाँ जी, वो तुहानू दस ही नहीं सी होया, जदों तुहाडे साहब जी इत्थे आए हुए सी तां उन्हां कोल एक नीले रंग का ब्रेसलेट सी, ते उन्हूं ही देखते रहिंदे सी। ओह साढ़े तिन्नां दे एक फोटो भी है, ते उहदे विच भी पाया होया सी उन्हां ने। मैं भेजदी हाँ तुहानू फोटो। हाँ जी मल्हार जी कोल तां अपना ब्रेसलेट कोई सी ही नहीं इदां दा, ना मैं उन्होंने दिता सी, मैं तो बस ब्रेसलेट देने का वादा किया सी। जे मल्हार कोई ब्रेसलेट नहीं सी फिर ये किहदा ब्रेसलेट है? पता नहीं, मैंने इन्ना पता कि उन्होंने नहीं सी। फिर भी मैनू शक है कि मल्हार जी आप तो नहीं डिगे होने, तो किसी ने सुटिया होना उन्होंने कि
किते ब्रेसलेट मल्हार जी नूं धक्का मारन वाले दा तां नहीं। ओह कोई भावें इहदी गल मन भी ले पर मैं नहीं मनदी। मैनूं तां इह बस कोई जसूसी जी कहानी लगदी है जिहड़ी इहने आप ही घड़ी है। ਐਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵੈਸੇ ਹੈ ਕੌਣ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਪੂਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਲਹਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਲਹਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਮੜ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਲਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵੀ ਕਰੋ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਗਈ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਲਹਾਰ ਦਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਲਹਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮਲਹਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਲੱਭਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਰਵੀ ਆ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਰਵੀ ਲੱਭਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਦੂਜੇ ਰੂਮ ਚ ਭੇਜ। ਲੱਭ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਲੱਭਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੱਭ ਵੀ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹੋ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਬੁਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਸ ਗੀਤ ਢੋਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਵਹਿਮ ਬੂਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਹੈ ਸੱਚ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਇਹ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਰੌਕੀ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ। ਪਰ ਰੌਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰੌਕੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਬ੍ਰੇਸਲੇਟ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਲਮਾਰੀ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਬੋਲ ਰੌਕੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਰੋਕੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ।
सच सच दस, मल्हार जी ने तू धक्का दिता सी ना? गीत की कह रही है, मैं क्यों धक्का दूंगा मल्हार? झूठ बोल रहे, तू धक्का नहीं देता, फिर तेरे कमरे च ब्रेसलेट कितने मिलिया? दस कितने ने मल्हार जी? दस मैं सच कह रहा, मैं नहीं उन्हें धक्का दिता। नहीं दसना ना सच, तू ठीक है फिर, जब तक मल्हार जी नहीं मिलते तू मेरा उससे अंदर ही रहेगा, वो भी कैद। गीत मेरी गल चल रॉकी, ये ब्रेसलेट रॉकी को कितों आ गया? रॉकी का बच्चा सच बोल रहा है या गल कोई हो रही है बच्चों? गीत मेरी गलता सुन, अंदर गलता सुन ला मेरी, एक मिनट। गीत गीत बुहा खोल, मेरी गलता सुन, मैं कुछ नहीं किया। गीत तुसे सारे जने बेफिक्रे होके तैयारी करो, ब्याह दी मंडप सजा। जे रॉकी ने ना भी कुछ दस्या तां भी मैं मल्हार जी नूं लब ही लवांगी। लब लेंगे पर ओ किद्दां? मैनूं बस इन्ना पता मम्मी जी कि भावें मल्हार जी तक मैं पहुंचा या ना पहुंचा, मल्हार जी नूं मेरे तक पहुंचना पएगा। मेरे ढोल दी थाप दी आवाज उहनां दे कन्नां तक जरूर पहुंचेगी। चलो गीत, मल्हार जी मैनू ये था नहीं पता तुसी कित्थे हो, पर तुहाडी गीत उत्थे ही है जिथे तुसी उहनू देखना चाहुंदे सी। तुसी चाहुंदे सी ना कि मेरी अपनी म्यूजिक अकैडमी हो। हाँ देखो, हाँ मेरी म्यूजिक अकैडमी, तुसी जिथे भी हो मल्हार जी मेरे ढोल दी थाप सुन के तुहानू हर पल याद आऊगा जिहड़ा तुसी मेरे नाल गुजारे। ते वीडियो पूरा पंजाब देखेगा क्योंकि ये लाइव वीडियो है। मल्हार जी वापस आ जाओ, मुड़े आओ मल्हार जी। मल्हार जी मैं ये तो नहीं पता तुसी कित्थे हो। इस कुड़ी दे हाथ पे जड़ी फोटो है वो तो उसे मनीष दी है जड़ा होने होने इत्थे दाखिल होया है। मैं होने जाके उनु फोटो दिखानी हूँ। एता वही है जड़ी मंदिर दे विच मिली सी मैनूं, पर एदे कोल मेरी फोटो कित्थों आ गई? मल्हार जी असी तो मिले भी पहले नरातिया ते सी। तुसी मेरी मांग च सिंदूर पा के माता रानी दे सामने मैनूं अपना बना लिया सी। तुसता मेरा हाथ फड़ के मैनू सारी दुनिया ना लड़ना सिखाया सी मल्हार जी, तो मैनू टोल चैंपियनशिप जिताई। मेरी हाथ बन के थानू सारे नू बेनती कि इस वीडियो नू वध तो वध लोका तक पहुंचाओ,
ताकि ये गीत टोली अपने मल्हार जी तक पहुंच सके। मल्हार जी नू गीत ना मिलवा दो, मैं बेनती करती हूं। आ देखो मल्हार जी, ये वही ब्रेसलेट है, इनू देख के कुछ याद आया?